गुरुवार को विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारी गोलघर के सभी दुकानदारों से जनसंपर्क किए और विद्युत के निजीकरण होने से क्या क्या नुकसान होगा दुकानदारों को बताया और अपने समर्थन में आने की अपील की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयोजक विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अजय कुमार ने कहा, बंद करो निजीकरण वापस लो। हम लोग आज से अगले 4 दिनों तक जन जागरूकता अभियान के तहत जनता के बीच हम जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और ये हम बताना चाहते हैं कि निजीकरण से जहां सीधे तौर पे विभाग को नुकसान होगा, कर्मचारियों को नुकसान होगा, वहीं दूसरे रूप में हमारे व्यापारी भाइयों को भी नुकसान होगा, हमारे किसान भाइयों को भी नुकसान होगा, हमारे युवा बेरोजगार भाइयों को नुकसान होगा, क्योंकि निजी कंपनियों के आने से सरकारी नौकरियाँ ख़त्म होंगी और सरकारी नौकरी के सपने जो हैं वो सबके ख़त्म हो जाएंगे, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम अपने लिए नहीं, हम आम जन के लिए भी लड़ रहे हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। आज हमारा जन जागरूकता का ये पहला दिवस है और इसमें हम लोग आज अभी सूरज कुंड मोहल्ले और अन्य गोरखपुर के सारे मोहल्ले में हम लोग आए हैं और इस समय हम लोग गोलघर में व्यापारियों की भाई के बीच में जन समर्थन लेने के लिए हर लोगों के पास जा रहे हैं और इससे होने वाले नुकसान को बता रहे हैं कि वो हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़े ताकि इस हम आंदोलन को जन आंदोलन में बदल सकें।